जगह देंगे ते खान पीन खत्म होंगे एलडीए का सारा कमाल वाली गल है सारे इशू टैक्स किस्सा ही खत्म हो गया मेन चीज है बत्था चलता है पैसे लेंगे ने रेड़ी निकल गई सरकारी खाते भी जमा नहीं होया बच्चों की कमाई बच्चों की रोटी सी जिन्हें लाई जाते हराम खाते भाई साहब मैं ढाडे ना लगा मैं कहना जिन्हें सरकारी दारे गए बैठे खाते हराम पे ने ढाडे बच्चों का रोजी रोटी खाते पे ने जिन्हें भी महकमा हो मरियम साहब ने जो स्कीम कड़िया ने लोन आली मजदूर कड़ी एक प्लेटा प्लेटा कड़ी ये मजदूर तबका जी ये हमारा मुआशरा है ये दिखाए जी ये हमारे सीएम साहब को दिखाए ये वजीर आजम दिखाए देखो देखो भाई गल देखो ये मजदूर तबका है हमारा कि एक मजदूर तबका सारा हाँ जी हाँ जी जिन्ने मर्जी मुल्क तरले लान एक उम्र रब ने फेर करती रब नही मंजूर रब चंगे लगते रब चंगा लगता ही जेड़ा जेल च बैठा मैं अज भी ओदे नाल कल भी ओदे नाल मैं इहदी गोली दोनों डरदा मेरी जेड़ी रात कबर च लिखी ओह मैनूं मौत अल्लाह तआला सलामत रखे मैं ना खलोता इधर बैठे मैं गोली दोनों डरदा मैं खलोता आ ए बड़े बड़े किन्नी गवाम नूं मारन दे किन्ना किन्नी वारी किन्नी गवाम नाल जुल्म करन दे जिथे फिरौन होवे उथे मूसा बैठा होंदा मूसा जेल च बैठा
ਕੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਕੜਾਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਲਾਂਤੀਏ ਰਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਵੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ पढ़े लिखे लोग बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। 2 साल किया ग्रेजुएट करने को, 2 साल हो गए ग्रेजुएट किए कलमा पढ़ने कोई शक नहीं मानते लोग मेरे मुंह निकल लगी कोई गल नहीं गुस्सा घट कर लो ये तो मजदूर है मुसलमान वाला काम हो गया इधर मुसलमान हो ना ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣ ਇਹ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰੋ ਰੱਬ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰੋ ਆਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣ ਆਇਆ और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं पढ़ा लिखा तबका मुझे 2 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए आज तक नौकरी नहीं मिली 2500 सीटें आई थी मोटर में पुलिस में अच्छा आई थी 6.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और वो बच्चे बेचारे इतना खर्चा करके यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए ऊपर मोटरवे वाले क्या कह रहे हैं अफसर क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को आने की क्या जरूरत है अफसरों के बच्चे मर गए थे ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि आपको इधर आने की जरूरत क्या है अफसरों के बच्चे मर गए जूनियर क्लर्क की 6 सीटें उनके लिए अफसरों के बच्चे मैंने कोटे में ले गए हैं और अफसर नहीं है ये मैं आज आपको बता दूं ये सरकारी महकमे में बैठा हुआ जितना आदमी है ना ये सब आपका नौकर है बिल्कुल नौकर सब आपके मुलाजिम बिल्कुल ऐसे ही हर महकमे में नौकर है आपके हर महकमे में करप्शन चल रही है 2 साल हो गए डिग्री लिए हुए 2 साल हो गए प्राइवेट कंपनी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई हायर नहीं करता किसी और इदारे में जाते हैं तो वहाँ पे कोई हायर नहीं करता क्या जी उनकी सिफारिशें दी हमारे पास सिफारिश नहीं है गरीब तबके पास और उस पर से ये बाहर के मुल्कों से पढ़ के वहाँ इधर आ रही है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा इतनी इतनी फॉरेन कंट्री से वो लोग अपनी वो डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं मास्टर्स की डिग्री कसूरवार हुकूमत है मौजूदा हुकूमत है पहले भी चलता रहा सिस्टम लेकिन आज कल जो चल रहा है मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ ये कर्जे जो हैं ये चीफ मिनिस्टर अब इंटर्नशिप निकल आई है चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप निकल आई मुझे ये तो बताएं किसको मिलेगी ये गरीब तबके को तो मिल ही नहीं रहा कुछ पहले मोटर बाइकों का कहा था इन्होंने मोटर बाइक किसी को नहीं मिली गरीब तबके में किसी को नहीं मिली जिनके बड़े बड़े जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके बच्चों को मिल गई गरीब बेचारा करे क्या इस मुल्क में अगर किसी ने रहना है तो वो अपनी ये गुर्बत में ही रहेगा अगर इस मुल्क में पढ़ना है तो पढ़ के पढ़ाई का फायदा नहीं रहेगा इस मुल्क में मैंने 14 किए हैं ग्रेजुएशन किया है मैंने आज तक घर से खर्चा नहीं मांगा मैंने स्टिचिंग करके घर भी चलाता रहा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी किया मेहनत भी करता रहा हूँ किस लिए क्या करेंगे किसके लिए ताकि कल को की अच्छी जॉब अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल जाएगी हुकूमत को सरवाइव करेंगे लेकिन आज हुकूमत क्या कर रही है ग्रेजुएशन करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा अब हम अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि बेटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।